कृष्ण को कहती है कि हे कृष्ण, मेरा पुत्र जो 8 साल का था समुद्र स्नान के लिए गया और वो चला गया, उसके बाद हमें पुत्र नहीं हुआ, पुत्र हुआ भी तो उसका दुख मुझे बार बार चलता है कि मेरा पुत्र चला गया और मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र मुझे दिखे, तो अगर पुत्र दिखा या पुत्र आया तो भी मैं मेरे को भाग्यवान समझती हूँ। माँ, कृष्ण कहते हैं कि माँ, अगर ये दक्षिणा तुम्हें ला कर दिया तो ही मैं यहाँ से जाऊँगा, नहीं तो नहीं। और कृष्ण वहाँ से कहते हैं गए जिस समुद्र में उस बालक का देहांत हो गया था, वहाँ शंखचूड नाम का एक राक्षस था। उसने उस बालक को, उसके बालक के शरीर को हरण कर लिया था, उसकी आत्मा को अपने पास रख लिया था। जब श्री कृष्ण ने ललकार कर समुद्र को कहा कि अगर मेरे गुरु का बालक यहाँ है या उसका शरीर यहाँ है या किसी ने लिया है तो दे, नहीं तो समुद्र को 1 मिनट में सुखा दूंगा, इसको समुद्र तुझे नहीं रखूंगा। समुद्र भागते हुए और कहे कृष्ण को, भगवान ये मेरा नहीं है, शंखचूड़ नाम का राक्षस समुद्र में छुपा हुआ है, उसके हाथ में उनका शरीर है। कृष्ण समुद्र में गए, शंखचूड़ से लड़े, उस शरीर को, उस आत्मा को पकड़े और आए। आने के बाद उन्होंने कहा कि उस आत्मा को लेके, अब इसको जीवन दें तो कैसे दे। कृष्ण ने उसी समुद्र के पास की मिट्टी से एक पुतला बनाया और प्रार्थना की कि इसमें मेरे गुरु के बेटे की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, मैं इस आत्मा को यहाँ रख रहा हूँ। और जैसे पुतला करके प्राण प्रतिष्ठा की, वो बालक उसको जीवन मिल गया, वो जिंदा हो गया। जिंदा होते उस बालक को, कृष्ण को बहुत आनंद हुआ और उस बालक को लेकर वे उनके माँ के पास गए। और जैसे ही माँ ने अपने बालक को देखा, उनके आनंद का ठिकाना ना रहा। वो कहें कि कृष्ण, संसार में आज तक किसी ने ऐसी दक्षिणा दी नहीं होगी, और मैं आज कहता हूँ कि आज तक कोई ऐसा शिष्य नहीं हुआ होगा जिसने, और तुम्हारा नाम अजर अमर, जब तक सूर्य चंद्र है, जब तक यह है, तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। और ऐसे शिष्य के लिए मैं तुम्हें एक वचन देती हूँ कि इस संसार में तुम जो आज कार्य के, जो असंभव कार्य को करके आए हो, तुम्हारे जीवन में कोई असंभव कार्य नहीं होगा, हर कार्य को तुम संभव कर सकोगे, ऐसा ही मैं आशीर्वाद प्रदान करती हूँ। तब बाजू में सुदामा और दूसरे शिष्य भी थे, सब लोग कह रहे थे कि कृष्ण कितना बड़ा कार्य करके लाए, हम भी तो शिष्य हैं, हमने गुरु के लिए क्या किया। लेकिन इससे पहले ही सुदामा उनके घर में कुछ विपत्ति के कारण चले गए थे, सारे शिष्य रहे कृष्ण ने, और कृष्ण के गुरु के पास कृष्ण ने जाकर कहा कि प्रभु, अगर मेरी दक्षिणा से संतुष्ट है आप, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। उन गुरु के आंखों में भी आंसू थे, कहा यह आनंदाश्रु है कृष्ण, ऐसा शिष्य न होगा, न हुआ है, न आगे भी होगा। उन्होंने कृष्ण को, भगवान को आशीर्वाद दिया। जब कृष्ण लौट रहे थे तो कृष्ण को संदीपनी मुनि ने कहा, हे परब्रह्म, मैं तुम्हें हृदय से शिष्य के रूप में नहीं, उस एक असंभव कार्य को संभव करने वाले भगवान के रूप में मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण परब्रह्मणि नमः, ऐसा कहते हुए संदीपनी गुरु ने ही शिष्य को नमस्कार किया और कृष्ण आगे बढ़ते चले गए। आगे गए, आप कृष्ण का जीवन तो आपको पता है, कर्मा बहुत कृष्ण कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के साथ साथ उनकी जो लीलाएं चली, राधा हो, गोपिकाएं हो, अष्टभार्याएं हो, उनकी संतति हो, या फिर मथुरा के संग्राम में वहाँ से जरासंध आदि से उठकर द्वारका का आना हो, ये सारी चीज़ें कृष्ण के जीवन में हुई, वो बलराम के साथ थे। लेकिन कुछ घटनाएँ ऐसी हैं जिसका आज तक भी मेल नहीं खाता। आपने देखा है कि जब कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में आए अर्जुन को लेकर, अर्जुन को कहा था कि कृष्ण, मैं इस युद्ध को करने के लिए तैयार हूँ, तुम हो जाओ, जिन्होंने पाप किया है उस पापी लोगों को हम मारेंगे। लेकिन अर्जुन जैसा ही रथ पर आए और उन्होंने देखा कि वहाँ उनके पितामह, उनके पापा, चाचा, माँ, भतीजे, सब अपने अपने रिले, सब संबंधी लोग खड़े हुए थे। तो अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, आप भगवान होंगे, मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन मैं युद्ध को करके इन सभी को मारकर मैं जीऊँगा, तो मैं किन के साथ रहूँगा, न मेरे चाचा, मामा, कोई नहीं, सभी लोग जाएंगे और इनकी पत्नियाँ विधवाएं हो जाएंगी, मैं उनको क्या मुंह बता सकूँगा, ये युद्ध मैं नहीं करूँगा। कृष्ण हतप्रभ रह गए। 1 मिनट में कृष्ण को लगा कि ये अर्जुन युद्ध में आने के बाद क्या कर रहा है, युद्ध आने से पहले तो कहता तो कोई बात थी, युद्ध में आने के बाद कह रहा है। बोले, अर्जुन तुझे क्या हो गया है, तुम्हें मुझे क्षमा ही कर दो, ये अस्त्र शस्त्र आपके चरणों में रख रहा हूँ, मुझे ऐसा युद्ध नहीं चाहिए जिसमें वो मारे गए या हम मारे गए, इसमें इस जीत का कोई असर ही नहीं होगा, इस जीत का कोई उद्देश्य ही नहीं है, इस जीतूंगा मैं तो इनके पास पत्नियों को, सब विधवाओं को देखूंगा, उनको क्या मुंह बताऊंगा, कृष्ण मैं ये युद्ध नहीं करूंगा।
कृष्ण बहुत देर तक विचार करते रहे कि अर्जुन को क्या हो गया है। सब लोग, धर्मराज आदि सब लोग देख रहे थे कि इनको क्या हुआ, क्या करना चाहिए। तब कृष्ण कहते हैं, एक मिनट में कृष्ण ने आंखें मूंद ली और कहा कि असंभव कार्य है, ये युद्ध हो रहा है और अर्जुन इस समय ऐसा कर रहा है, क्या बात है। उसने देखा कि शकुनी मामा कहाँ है, शकुनी मामा नहीं, तो उन्हें देखा शकुनी कुछ कार्य कर रहा है। वो क्या कर रहा है, बगलामुखी की साधना कर रहा है कि उसकी अर्जुन की बुद्धि स्तंभित हो जाए, युद्ध न करें, अस्त्र शस्त्र छोड़ दें, युद्ध न करें, ऐसी स्तंभित हो जाए और उस स्तंभन के मार्ग से अगर एक अर्जुन रह गया युद्ध में तो सारा युद्ध हम जीत सकेंगे, ऐसा उनका कहना था। और जब ये देखा कृष्ण ने कि हाँ हाँ, तो ये शकुनी मामा आपकी कारीगरी है, धर्मराज आदि आए सबको अर्जुन को समझाने लगे, कोई समझाने की बात उन्होंने नहीं मानी। तब कृष्ण ने कहा एक मिनट ठहर जाओ, और तब श्री कृष्ण ने अपनी विद्या से बगलामुखी की विद्या अपनी तरफ से आरम्भ की। बगलामुखी का मंत्र श्री कृष्ण, अगर ये कहीं कुरुक्षेत्र में भागवत में आपको नहीं मिलता लिखाना लिखा हुआ, लेकिन कृष्ण ने जैसा ही बगलामुखी से विद्या से कहा कि तुम इन सभी को स्तंभित कर दो। हम सुनते हैं कि गीता 18 अध्याय कृष्ण कह रहे थे, 18 अध्याय के क्या घोड़े खड़े थे नाच नहीं रहे थे, हाथियां नाच नहीं रही थी, सैनिक चलते हुए कि ऐसे ही खड़े रहे थे। तो कृष्ण ने बगलामुखी विद्या के साथ उस युद्ध के सभी लोगों को स्तंभित कर दिया था और अर्जुन को उठाकर कहा, हे अर्जुन तू सुन, आज तुझे वास्तविकता बताता हूँ, तेरे भाई धर्मराज है, ये धर्मराज अपने धर्म की प्रवृत्ति के कारण, अपने धर्म की इसके कारण उन्होंने बहुत श्रेष्ठ थे, लेकिन उनके जीवन में उन्होंने एक बार गलती की और वो गलती किसके कारण हुई पता है, बोले किसके कारण, शकुनी मामा के कारण हुई। शकुनी ने उनको कहा कि तू द्युत विद्या में आ जा, जो जुआ खेलते हैं उसमें आ जा, और उन्होंने, धर्मराज चाहते थे कि मैं इसमें मत जाऊँ, लेकिन उन्होंने धर्मराज की बुद्धि स्तंभित की थी, इसी बगलामुखी विद्या से है। और उन्होंने क्या कर रहा हूँ कुछ नहीं, राज दे दिया, आखिर को पत्नी को भी दे दिया, ये बगलामुखी विद्या थी, और इसकी विद्या के कारण धर्मराज को आज ये भोगना पड़ा, जो स्तंभित विद्या के कारण, बुद्धि स्तंभन के कारण उन्होंने पत्नी मिल दी, जब तक उनको विचार ही नहीं हुआ कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये ऐसी एक महाविद्या है जिसके कारण हुआ है। अर्जुन को एक मिनट के लिए ऐसा लगा कि ये बात तो सही है, मेरे भैया तो बहुत धर्मबद्ध थे, फिर ये इनके ऊपर प्रभाव हुए कैसा, और उन्होंने पत्नियों को, हम सब पांच भाई वीर शूर सब लोग वहीं के वहीं बैठे रहे थे, कुछ नहीं कर सके। तब उन्होंने उस विद्या की श्रेष्ठता को पहचाना और जो कृष्ण भगवान कह रहे थे उसको सुन रहे थे। और कृष्ण ने कहा कि मैं तुझे बता देता हूँ अर्जुन कि मैं क्या हूँ, मैं जानता हूँ ये विद्या अगर उन्होंने उपयोग नहीं करती तो आज जुआ नहीं होता, जुआ नहीं होता तो युद्ध नहीं होता। मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम युद्ध करो, जो अन्यायी हैं, जो द्रौपदी का चीरहरण करते हैं, अन्याय के साथ इस शकुनी ने युद्ध को जीत कर इनको सारा राज्य प्रदान किया, उस राज्य को मैं धर्मबद्ध रीति से, धर्म रीति से युद्ध करके मैं जीतना चाहता हूँ और तुम उसमें मेरे सहायक बनो। अब सबको युद्ध के बारे में तो पता है, युद्ध हुआ, बाद में गीता का उपदेश भी हुआ, अर्जुन की स्तंभन अर्जुन पर जो था बगलाओं का, वो स्तंभन चले गया, कृष्ण भगवान ने उसे निकाल दिया, और उसके बाद उन्होंने इस श्रेष्ठ विद्या के साथ अपनी दशमा विद्याओं को अपने साथ रखकर कहा, अर्जुन तू युद्ध के लिए तैयार हो जा, मैं देख लेता हूँ, मैं कोई भी आए। कहा अर्जुन ने कहा, भीष्म पितामह, जिसको इच्छा मृत्यु है, जो समझते हैं तभी मरते हैं, द्रोणाचार्य, जब तक हाथ में बाण हो उनको कोई नहीं मार सकता, कर्ण है, जब तक रथ पर खड़ा हुआ है उसको कोई नहीं मार सकता, इस प्रकार सभी लोग, दुर्योधन को कोई नहीं मार सकता, और शरीर वज्र शरीर हो गया, इस प्रकार एक से एक बढ़कर सब युद्ध में खड़े हुए हैं और इनको मारना असंभव सा लगता है, असंभव का कार्य है, तो कैसे करें। कृष्ण ने पूर्ण युद्ध हुआ, युद्ध में सब लोग वो मारे गए, और कृष्ण जब आगे आए तो रथ पर चक्र चलकर आ रहे थे, तो कृष्ण ने कहा अर्जुन रथ से उतर जा। तो अर्जुन कहने लगा, प्रभु आप देवता हैं, आप पहले रथ से उतरे बाद में मैं उतरता हूँ। कृष्ण बहस कर रहे थे, अर्जुन तू समझता नहीं, तू उतर जा। कृष्ण कह रहा था मैं ऐसा नहीं करता, पहले आप महान हैं, आप उतरो, बाद में मैं उतरता हूँ रथ से। अब ये बात ऐसी हुई, अभी कभी कभी निमेश भी पारुल बहन भी कहते कार्तिक गुरु जी पहले आप उतरो हम उतरे, नहीं तो पहले हम उतरते बाद में आप उतरो, ऐसा कहते हैं। साधारणतः बड़ों को हम रिस्पेक्ट देते हैं और ये बात कहते हैं, वैसे ही कह रहा था अर्जुन भी कि पहले आप उतर जाओ बाद में मैं रथ से उतरता हूँ, बार बार कह रहा था। तो उतने में धर्मराज आए और कहा, हे अर्जुन, कृष्ण क्या भगवान है, वो क्या कह रहे हैं, उसके पीछे एक नम्य अर्थ नहीं मालूम, उन्होंने कह रहे हैं तो तू पहले उतर जा। अब भाई, बड़े भाई के कहने के कारण, सभी के कहने के कारण
कृष्ण अर्जुन रथ से उतर गया और बाद में श्री कृष्ण जैसा ही रथ से उतरे पूर्ण रथ को आग लग गई, रथ एकदम जोर से जल के खाक हो गया। तो ये देखकर अर्जुन भातप्रभु हो गया, प्रभु ये क्या हुआ, रथ पूरा जल गया, इसका कारण क्या है? तो कृष्ण हंसकर कहते थे, कृष्ण तू समझ रहा है कि तूने युद्ध जीता है, तेरे ऊपर जितने भी अस्त्र आए थे वो सभी को मैं निगल लेकर मेरे आसन के नीचे बैठ के रखा था आज तक, और आज जब रथ से उतरा तो उन सभी को मैंने आग जलाया, अगर पहले मैं उतर जाता तो तू जल के खत्म हो जाता था, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। तो श्री कृष्ण इस प्रकार की परब्रह्म विद्या को जानते थे, इस प्रकार की श्रेष्ठता को जानते थे। और कृष्ण ने एक बार नहीं बहुत बार भी इस बात को बताया है कि मेरे जीवन में आगे आना, हम रामचंद्र जी के जीवन में और कृष्ण के जीवन में यही व्यत्यास 15-16 कलाओं का इसी रीत में रूप में देखते हैं कि कृष्ण आगे क्या होने वाला है इसका ज्ञान था उन्हें, और इसलिए वे हर बात में जीत कर रहते थे। जबकि राम को ये भी पता नहीं था कि क्या सोने का हिरण होता है, सोने का हिरण होता है, संसार में कभी सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, फिर भी सीता जी ने कहा तो सोने के हिरण के पीछे भाग गए और विनाश हो गए। तो इसका कारण क्या हुआ, शबरी ने जब अपने झूठा भेर गाकर कहा कि मतंग महामुनि ने दिया है, तो उनको आगे के जीवन में क्या होने वाला है इसका ज्ञान शबरी के बेर खाने के बाद रामचंद्र जी को, उससे पहले उनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं था, न वनवास जाने का ज्ञान था, न घर से राज्याभिषेक के लिए जाने के पहले उनको ज्ञान नहीं था, विद्या नहीं दिया। ये योग उनके गुरु वशिष्ठ थे, गुरु जी कहा करते थे कि वशिष्ठ को भी इसका ज्ञान नहीं था, वशिष्ठ जी पहले उन्होंने वशिष्ठ संहिता लिखी, बाद में उनको जब ये मत पता चला कि मैं रामचंद्र जी का अभिषेक के लिए जो मुहूर्त निखा रहा था मुझे उसका ज्ञान नहीं था, कालज्ञान नहीं था, और उन्होंने फिर उस कालज्ञान को सीखा और उन्होंने वशिष्ठ संहिता लिखी, जो वशिष्ठ उनके गुरु ने उनको नहीं बताया तो उनके, लेकिन श्री कृष्ण के जीवन में ऐसा नहीं हुआ। श्री कृष्ण हर एक पल को गिनते थे कि आगे क्या होने वाला है और सतर्क रहते थे कि आगे क्या करना है, कालने में आता है तो उसको किस तरह मारना चाहिए, भीष्म आते हैं तो उनको किस तरह मारना चाहिए, दुर्योधन आता है तो उसको किस तरह मारना चाहिए। यही कहते हैं कि एक दिन गांधारी और दुर्योधन सभी लोग गए, उनको लगा कि हम भीष्म पितामह के पास जाते हैं जो हमारे सैन्याधिकारी है, उनके पास जाते हैं और ये कहते हैं उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो ब्रह्मचारी है और बहुत श्रेष्ठ है, उनके पास से आशीर्वाद लेना बहुत अच्छा है। तो भीष्म के पास सभी गए और कहा कि हे भीष्म पितामह, हमें वर दो कि हम युद्ध को जीतेंगे, आपके आशीर्वाद को चाहता हूँ। तो गांधारी ने भी कहा कि आप वर दो भीष्म पितामह कि हम युद्ध जीतेंगे, युद्ध हारेंगे नहीं। भीष्म पितामह के वचन में श्रेष्ठता थी, ये जानते थे कि भीष्म पितामह श्रेष्ठ है। तो भीष्म पितामह ने कहा हाँ, मैं तुम्हें वर देने से पहले एक बात कहता हूँ, दुर्योधन की पत्नी जो है लक्ष्मणा है उसे रात के 12 बजे मुझे मेरे पास भेज दो।